दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की कल पुण्यतिथि थी। उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया इस समय बीजेपी का हिस्सा हैं। इसलिए बीजेपी माधवराव सिंधिया को भी अपने कुनबे का हिस्सा मानने पर मजबूर है। लेकिन बीजेपी की इस मजबूरी का पर्दाफाश आज भोपाल की बारिश ने कर दिया है। जब बीजेपी के नेता अपने मुख्यालय के परिसर में माधवराव सिंधिया की तस्वीर को भीगता छोड़ गए। सोशल मीडिया पर इस समय बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माधवराव सिंधिया की तस्वीर भीगती हुई नजर आ रही है, जिससे दिवंगत कांग्रेस नेता के प्रति भाजपा का दिखावटी सम्मान भी जगजाहिर हो गया है। दावा किया जा रहा है कि माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के नेताओं ने दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प तो अर्पित किया। जैसे ही राजधानी में मौसम ने करवट लेते ही जब कांग्रेस नेता की तस्वीर भीगने लगी तो भाजपाइयों ने इसकी कोई सुध नहीं ली, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भाजपा कार्यालय का वीडियो साझा करते हुए इसकी निंदा की है। सलूजा ने कहा है कि भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के फोटो पर दिखावटी माल्यार्पण कर फोटो खींचा कर सभी नेता चल दिए और बारिश में फोटो को वहीं खुले में छोड़ गए। भाजपा कार्यालय में एक कोने में रखी बरसात में भीग रही उनकी तस्वीर कोई देखने संभालने वाला नहीं है, ये कैसा सम्मान। बता दें कि माधवराव सिंधिया का 2001 में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे थे।